नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली व्हेन द सम ऑफ द लाइन ऑफ एनी टू डैश इज ऑलवेज मोर देन द डैश साइड. ठीक है, देखो बेटा, दो ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, मतलब एक ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब जब इसका जो साइड है, जो इसकी सबसे बड़ी साइड है, जैसे हमारे पास कुछ साइड्स हैं, अगर इसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम रखें, उसके अलावा जो दो बची हुई साइड है ना, अगर उनका हम सम करते हैं, अगर ये सब बड़ी वाली साइड से ज्यादा आ जाता है तो ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर इक्वल भी आ जाए तो भी नहीं होगा. ठीक है, तो मतलब जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका सम बची हुई दो साइडों से कम होना चाहिए. मतलब ये कह सकते हैं हम, जो बची हुई दो साइड है इन दोनों का सम बड़ी वाली साइड से ज्यादा होगा. तो इसने यहाँ पे पूछा है, ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली व्हेन द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द लार्जर साइड या लार्जेस्ट साइड. ठीक है, समझ में आ गया. जो सबसे बड़ी साइड है उसको छोड़ दे, बची हुई दो साइडों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए. हो जाएगा ये. क्वेश्चन नंबर फाइव, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज, ट्रायंगल के सारे एंगलों का सम अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री होगा. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है. अगर वो 180 डिग्री से ज्यादा है या कम है तो इसका मतलब वो गलत है, ये ट्रायंगल बनेगी नहीं. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ आपको? पक्का? तो बताओ फिर सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज अल्टरनेट. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल बताओ बेटा. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, आप रुमाल से खेल रहे थे, देख लिया था मैंने, ध्यान दो बेटा. सम ऑफ ऑल एंगल, ये एंगल्स होते हैं ना ट्रायंगल के, इन सब का सम 180 डिग्री होता है. सब 180 होना चाहिए. हाँ, अगर इन सब को हम ऐड करें तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए. पर एक साइड का 60 हो गया. हाँ, एक साइड का 60 नहीं, जरूरी नहीं है 60 हो. जरूरी नहीं है. हाँ, 60 तब होता है जब वो सारे एंगल 60 तब होते हैं जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो. ठीक है बेटा, वरना अलग भी हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं. अब हमें यहाँ पे फिगर दी हुई है क्वेश्चन नंबर बी के, बी में इसमें बोला है ट्रायंगल PQR, जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा है तो इसमें बोला बेटा PQR इज राइट एंगल. राइट एंगल कौन से इस पे बना हुआ पॉइंट पे? पी पे तो है, देखो बेटा राइट एंगल. तो ये एक्सरसाइज आप खुद से करनी है पूरी. ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर डी में या क्वेश्चन नंबर सी में, क्वेश्चन नंबर सी में बता रहा हूँ बेटा, सी में देखो क्या बोला है. हमें ट्रायंगल दिया है और एक एंगल मिसिंग है. जैसे एक ही मैं ट्रायंगल बना लूँ, ये 50 डिग्री था, ये यहाँ पे ऐसा बना हुआ है और ये मिसिंग है, तो हमें ये निकालना है. ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वो कितना होता है बेटा 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर सारे एंगलों का सम कर देंगे. इसको यहाँ पे दिया नहीं है तो अपनी तरफ से x ले लेते हैं, तो 50 प्लस ये कितना बेटा देखें सर, 90. हाँ, तो 50 प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180, 90 और 50 140 इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री. बेटा उसमें दो एंगल दिए होंगे, अगर वो इक्विलेटर बोला है तो हर एक एंगल को इक्वल ले लेंगे. ठीक है, जैसे एक चीज और समझाता हूँ, देखो बेटा अभी आप शुरू पहले और जैसे एक चीज और समझाता हूँ, जैसे ये एंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया है, ये ऐसे दे दिया. ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ पे देखना ध्यान से. ठीक है, ये इक्वल साइड दे दी ना बेटा, सिंबल इक्वल बने हुए, कोई बात नहीं, ये इक्वल सिंबल्स बने हुए ना बेटा, है ना. तो इक्वल सिंबल्स का मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल साइड्स हैं. तो इक्वल साइड में एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारा बन गया आइसोस्केलस ट्रायंगल. इसकी प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, जो इक्वल साइड्स होती है ना उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. जैसे इसके अपोजिट ये एंगल है वो इक्वल, इसके अपोजिट ये एंगल है वो इक्वल.
ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये x है और ऐसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा फिर, ठीक है। तो x plus 120 ये होगा ना बेटा, और x 2x हो गया, 120 के उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा 60, और ये 2 चला जाएगा डिवाइड में तो कितना आ जाएगा 30। समझ में आया? yes, पक्का yes, निकल जाएंगे। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है, सर नहीं आया, नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बेटा? सर ये ऐसा जो नीचे सर एक ऐसे सर आपने इस तरफ वाला कैसे निकाला? मैंने बताया था आपको अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। Yes, तो अगर ये x अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो 120 plus x plus x, तो x और x कितने हो जाएंगे बेटा? सर, x plus x, 2x। और 120 plus का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। yes, तो 180 minus 120 60 बचा। 60। x निकालना है, ये 2 चला जाएगा डिवाइड में मल्टीप्लाई में। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो इधर भी 30, इधर भी 30। हाँ ठीक है, जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चन में हमें 15 दिया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 4 में, तो 15 के ऊपर और उधर वाली साइड के ऊपर सेम सिंबल है। जैसे यहाँ है ना, ये 15 है बेटा और इधर वाली साइड के ऊपर सेम सिंबल है, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन मार्क है, तो बताओ कितना हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये दोनों साइडों पे सेम सिंबल बने रहे, तो ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो 15 प्लस 15 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो 180 में से माइनस कर रही है 30, 150 बचे, 150 आंसर। समझ में आया बेटा? अभी क्वेश्चन नंबर डी में हमें बताना है स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर राइट एंगल, मतलब इनमें से कौन राइट एंगल है। तो राइट एंगल के लिए क्या मैंने आपको बताया थी ना अभी थोड़ी पहले, एक प्रॉपर्टी हाइपोटेनियस वाली, है ना, बताइए ना। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि देखो बेटा ट्रायंगल अगर फॉर्म होगा उसके लिए दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट क्राइटेरिया कि सारे एंगलों का सम 180 होना चाहिए, और सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कोई भी ट्रायंगल बनने के लिए कि जो सबसे बड़ी वाली साइड है, लार्जेस्ट साइड, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई अभी स्टार्टिंग में, मैंने थोड़ा गलत बता दिया वहाँ पे, जो लार्जेस्ट साइड होती है ना सबसे बड़ी वाली साइड, वो उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैंने अभी एक बात आपको थोड़ी देर पहले बताई कि जो लार्जेस्ट साइड है वो बची हुई जो दो साइड है उनके सम से छोटी होनी चाहिए, उनके सम से छोटी होनी चाहिए। पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बची हुई साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, हाँ तभी ट्रायंगल बनेगा, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आएगा? yes, पक्का yes, कोई दिक्कत? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर हो बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन समझ में आया? सर उससे ज्यादा अगर उसके द्वारा तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? फिर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, फिर कोई दूसरा ट्रायंगल बन सकता है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस, कोई भी कोई भी स्केल लाइन बन सकता है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस बन सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें हमें पता करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ी वाली साइड से क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देख रहे हैं, तो बड़ी वाली साइड है सबसे 10, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, बची हुई साइडों का स्क्वायर कर दो तो 10 का स्क्वायर 100, 36 प्लस 84, 36 प्लस 84 100 होगा नहीं होगा? yes. तो 100 इक्वल्स टू 100, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, अगर ये इक्वल नहीं आती तो नहीं बनता, ठीक है बेटा। yes. तो सारे अंक हो जाएंगे इसके सम। अब हाँ बेटा, शाइन कर रहा है, देख लो थोड़ा सा, ठीक है, मुझे बहुत सुंदर।